भाइयों, ये एसडीपीआई का ये एक कदम है यूपी भवन के सामने, और ये एक कदम कहां कहां तक जाएगा ये हम सोच नहीं सकते हैं, ये हम सोच नहीं सकते हैं। इस देश को सदियों से और वर्तमान में मोदी और योगी ने दो जमातों में बांट दिया है, एक शोषक है एक शोषित। ये जो एसडीपीआई की आवाज है ये शोषितों की आवाज है, और इसका सामना शोषितों से है, शोषितों से। ये जो एनएसए है इसको अच्छी तरह से पढ़ो, ये क्या है? ये एनएसए तो योगी और मोदी पे लगना चाहिए। ये किस पे लगना चाहिए? योगी और मोदी पे लगना चाहिए, क्योंकि ये जनता को फेंकाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और जनता में बगावत पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। इनकी सोची हुई साजिश है, जनता को इतना गुमराह कर दो, इतना फेंका दो, इतना उत्पीड़न कर दो, ये आवाज उठाने पे मजबूर हो जाए, और जिस दिन आवाज उठाएंगे तो इनकी मनुवादी फौज हमारे सीने पे बंदूक की गोली दाग दे। ये सोची हुई है। मैं अपने शोषित भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये मनुवादियों से सरकार छीनना आसान नहीं है। अगर ये वोट से हारेंगे तो इनकी ईवीएम आ जाएगी, मशीनों से जीतेंगे, आदमियों से नहीं जीतेंगे, मशीनों से जीतेंगे। अगर मोदी में और योगी में इतनी हिम्मत है तो ईवीएम को हटा दे, और वैसे वोटिंग क्यों नहीं करते? जिन देशों में ये ईवीएम बना उन देशों ने इस ईवीएम को नहीं अपनाया, फेंक दिया अपने देश से कूड़े की। चंद्रशेखर आजाद का कोई आदमी बताए क्या कसूर था? उसका एक ही कसूर था, वो पक्का अंबेडकरवादी था, वो शोषितों की आवाज थी, वो शोषित मुस्लिमों की आवाज थी, और वो एजिटेट कर रहा था, और एजिटेट करना ये किसी भी मनुवादी की देन नहीं है, ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको दीन दी। आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं एजिटेट कर रहे हैं, ये महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा से कर रहे हैं, नहीं तो इनकी मनुस्मृति में तो तप करना गुना था, उसकी जीभ काट देते थे। मैं आज जमीन पे हूँ, मेरे हाथ में माइक है, ये किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है, तो ये तो जुआनी काट के फेंक देते, ये इनके धर्म शास्त्रों में लिखा है। मनुवादी जितना जोर लगा दें, एसडीपीआई जैसी ताकत अब नहीं बैठने वाली, मनुवादियों को भय हो चुका है। ये एसडीपीआई जो इनका मेल है शोषित है, शोषित में हम सब आ गए, जिसको ये दलित कहते हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं, जिसको एसटी कहते हैं, इत्यादि इत्यादि सब इसके मेंबर हैं। अब तो यहाँ पे झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा अंदर का और बाहर का, अंदर वाले कौन है और बाहर वाले कौन है। जो आज का शोषक वर्ग है, जो यहाँ का शोषक वर्ग है, वो एक उत्पीड़न करने वाला वर्ग है। सदियों तक इन्होंने अन्याय अत्याचार किए हैं। हमको पढ़ने का क्षेत्र नहीं है। आज दो ही चीजों की चर्चा होती है, दो आ हैं जिसकी मनुवादी प्रचार करते हैं, एक आतंकवाद
और आरक्षण। आतंकवाद क्या है कोई समझाएगा? आतंकवादी कौन है कोई बताएगा? इतने साल मुगल यहाँ पे हुकूमत करके गए, तब तो ये सब आया नहीं आतंकी। वो चाहते हैं आतंक के द्वारा सबको मुस्लिम बना देते। किसी ने बढ़ाया मुसलमान नहीं। आरक्षण, ये आरक्षण की बात करते हैं। अरे तुम क्या आरक्षण की बात करते हो? तुमने बात करनी है तो मौके की बात करो। तुमने मौका हमको दिया कब था? मौका दिया था आज। देखो एक से एक बच्चे टॉप कर रहे हैं, तुम आरक्षण की बात करते हो? अरे हम तो मौके की बात करते थे, जो तुमने सदियों सदियों तक ना शिक्षा में मौका दिया। तुमने जब शिक्षा में मौका नहीं दिया तो क्या? और उनकी स्थिति को पशु से बदतर बना दिया, पशु से बदतर। पशु तुम्हारे घर में घुस सकते थे, वो नहीं घुस सकते थे। ये वो है मनुवादी लोग, ये वो बीजेपी की सरकार है, ये वो योगी उनका वंशज है, ये मोदी उनका वंशज है, जिन्होंने उनके कमर में झाड़ू बनवा दी और हानि पहुंची। ऐसा अमानवीय किल्स कहीं देखा है? संसार में भी ये बात नहीं सुनी गई है जैसा इन्होंने किया है। मैं आज आपको एक चीज कहता हूँ, इन मनुवादियों की बात ना सुनो, ना समझो, ना मानो। ये कुछ भी कहें तो उसको इतना ही समझ लेना ये झूठ है, ये धोखा है, ये बहकाव। ये जितने आदमी आए हैं जो भी है, पर मैं कहता हूँ ये एक आदमी नहीं है, ये एक आदमी एक एक हजार के बराबर है। जब ये तूफान लेके आएंगे तो ये सारी व्यवस्था को मैं इसी के साथ मैं NDPI को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये चंद्रशेखर की मुहिम अपने झंडे की तरह उठाई है और हम कामयाब होंगे और कामयाब होके रहेंगे, या कामयाब होंगे या जान देंगे, इसके बीच में और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। NDPI जिंदाबाद, NDPI जिंदाबाद। साथियों,